हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी सबसे बड़े फैक्ट के ऊपर बात करने वाले, ठीक है? जो अभी कोस्ट गार्ड स्टूडेंट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना, सबके लिए बहुत ज़्यादा बीबीआई टॉपिक है और हर लगभग 90% बच्चे के दिमाग में ये दो लाइन बहुत ज़्यादा चलता है कि आखिर लोग फेल क्यों होते हैं। तैयारी अच्छी है फिर भी सेटिंग वेटिंग चलता है क्या कोस्ट गार्ड के अंदर, ठीक है ना? तो ये जो चीज़ है मिथ है या फिर जो रियलिटी है, जो भी है, मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ क्लियर, ठीक है ना? क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ना टेलीग्राम पे देखा मैंने, बवाल मचा रखे थे ग्रुप के अंदर कि पूरा कोस्ट गार्ड में सेटिंग होता है वगैरह वगैरह चीज़ें, तो मैंने चैट बंद कर दिया था, ठीक है? चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोस्ट गार्ड में मैक्सिमम लोग फेल होने का रीज़न क्या, सेटिंग चलता है। तो पहली बात मैं कह दूँ कि कोई सेटिंग फिटिंग आपका नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है? अब ये ऑनलाइन सेंटर वाले क्या करते हैं उसमें कोस्ट गार्ड का कोई हाथ नहीं। अगर किसी मतलब एक्सेप्शनल कहीं हो जाता है, ऑनलाइन सेंटर वाले कर देते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा एक दो जगह कि ऑनलाइन सेंटर वाले कर दे, तो उसमें कोस्ट गार्ड का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं होता। और जब से एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है तो कोस्ट गार्ड के जो है ना अपने लोग आते हैं यहाँ पे, और वो भी हैकिंग वैकिंग का जो है लगभग लगभग ड्रामा ख़त्म हो गया है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे सेटिंग की कोई चांस नहीं है। अब सुन लो, तो फिर कहते हो कि सर तैयारी बहुत अच्छी है तो फिर फेल होने का रीज़न क्या है? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगा। आपको पता ना कि पिछली बार मैं फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का रिटेन का एग्ज़ाम। जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पे ऑब्वियसली कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट को तो मैं पढ़ाता नहीं था। वहाँ पे जो लोग गए थे आपसे सीनियर गए थे, मतलब मेरे बैच के लोग गए थे, वहाँ पे मुझे कोई पहचानता नहीं था। आप तो जानते हो जैसे कि मैं क्या हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। वहाँ पे कुछ लोगों से बात हुआ तो वो यही बात बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे एग्ज़ाम दे लो, कुछ भी हो लो, रिजल्ट विजल्ट होना नहीं है, क्योंकि कोस्ट गार्ड तो जो पास हो जाते हैं उनको नंबर वंबर बताता नहीं है, आंसर की देता नहीं है, ये लोग सेटिंग करा लेते हैं। मैंने पूछा था भाई एग्ज़ाम काहे देने आए हो, सब कुछ पता है, तो बहुत दूर से आया था वो भी इंसान, ठीक है, बहुत दूर से आए हो, पैसा खर्च किए हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर भी मन में शंका है कि सेटिंग चलता है। तो कहा, उसने भी यही कहा कि तुम एग्ज़ाम दे के आओ, रिजल्ट आएगा खुद पता चल जाएगा। जब एग्ज़ाम दे के हम लोग बाहर निकले तो फिर मैंने उससे पहले पूछा तैयारी कैसी है, तो कह रहा तैयारी मेरी बहुत बढ़िया रहती है, ठीक है यार। एग्ज़ाम दे के बाहर आया तो मैंने बोला भाई कैसा एग्ज़ाम गया, बोला भाई एग्ज़ाम कोई खास नहीं किया, क्वेश्चंस का लेवल मतलब बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी 80-85 अटैम्प्ट कर लिए हमने। हमने बोला वाह भाई बहुत बढ़िया, तैयारी अच्छी नहीं है, सुनो ध्यान से, तैयारी अच्छी नहीं है, निगेटिव मार्किंग भी थी, फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। दो चार सवाल मैंने पूछे, ऑब्वियसली जो मेरे को आते थे मैंने वही पूछे उससे, क्योंकि सारे सवाल मतलब 100% किसी को आता नहीं है वहाँ पे। तो जो चीज़ें मेरे को नहीं आती थी मैंने जो छोड़ा था वो मैंने पूछा नहीं, जो चीज़ें मुझे आती थी मैंने कन्फर्म 100% श्योर होकर अटैम्प्ट किया था, वो चीज़ें मैंने पूछी। मैथमेटिक्स पूछा उससे कुछ, किसका आंसर क्या किया, रीजनिंग पूछा कुछ, किसका आंसर क्या किया, भाई वो बंदा लगातार 2-3 क्वेश्चंस का आंसर उसने मेरे को गलत दिया, जिसने वो हल्ला कर रहा था इसमें सेटिंग चलता है सेटिंग चलता है। तो फिर मैंने बोला भाई ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने जो दिए गलत दिए। मैंने उसको कोई आइडेंटिटी नहीं बताया कि मैं सिर्फ रिटर्न देने आया हूँ, मुझे इस जॉब से कोई लेना देना नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने बोला हाँ भाई मैं बिल्कुल भी सीरियस हूँ इस चीज़ को लेकर, मेरी तैयारी अच्छी है। फिर मैंने उससे पूछा तो मैंने बोला भाई आपने गलत आंसर किया इस चीज़ का, तो बोल रहा भाई आप जाके, उसने मेरे को राय दिया कि जाके आप पढ़ लो, इस बार आपका क्लियर नहीं होने वाला। और मैं तो श्योर हो गया था वहाँ पे उसका एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसने इजीजी क्वेश्चंस के आंसर गलत कर रखे थे, और उस टाइम मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया। तो इससे क्या समझ में आया कि ये जो चीज़ है सेटिंग चलता है सेटिंग चलता है, वो लोग ज़्यादा हल्ला करते हैं जिनका कभी रिजल्ट होता नहीं है और उनकी तैयारी अच्छी होती नहीं। अब तैयारी अच्छी होगी नहीं भैया तो रिजल्ट होगा कहाँ से, जब रिजल्ट होगा नहीं तो यही ना ढिंढोरा करोगे, ढिंढोरा पीटोगे कि सर सेटिंग चलता है इसमें कुछ नहीं हो सकता। जिसकी तैयार, देखो मेरे कॉन्टैक्ट में कोस्ट गार्ड डीबी के अंदर ऐसे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है ना जिसको कोस्ट गार्ड के, देखो जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसको कोस्ट गार्ड के बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं था, इवन उसका जो स्टेज 2 स्टेज 3 का जो फॉर्म फिलअप होता है उसने पूरा स्टेप बाई स्टेप गाइड मेरे से लिया है। वो अभी जॉब कर रहा है, ठीक है, टेलीग्राम पे बात हुआ था मेरा उससे, तो वो अभी जॉब कर रहा है। ट्रेनिंग का कुछ फोटो वगैरह मतलब एक वीडियो सेंड किया था उसने। तो अब बताओ सेटिंग चलता है तो वो बंदा जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको सेटिंग चलता है वो मेरे पास क्या करने आता, वो तो डायरेक्टली कर लेता, तो सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं करता। हाँ ये अगर कह रहे हो कोस्ट गार्ड एक जुआ है, तो मैं एक चीज़ मैं आपको कह देता हूँ कि अगर देखो आपका देखने का नजरिया ये है कि जुआ है तो आप जुआ मान सकते हो तब जब आपकी प्रिपरेशन 50-50 पे है। अब देखो यहाँ पे मैं कहने वाला हूँ कि यहाँ पे सीट बहुत कम है, सीट कितनी है भाई 30-35 है, बच्चे 1000-2000 गुना भर रहे हैं, तो इस कंपटीशन तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो जुआ है। अगर आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। अगर आप कहते हो कि सर मेरी तैयारी जो है बहुत अच्छी है डीबी की, चलो डीबी की मैं मान रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ जीडी डीबी आंतरिक को भी सबको ले लो, तो डीबी का मैंने पूछा कितना मार्क्स आ रहा है, तैयारी बहुत अच्छी है तो 44। मैंने बोला भाई कौन कैटेगरी है, तो ओबीसी कैटेगरी है। मैंने बोला तैयारी बहुत अच्छी है तो 44 स्कोर आ रहा है।
सोचो पिछली बार 49 कट ऑफ गया था और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी हुआ था, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो उनकी तैयारी क्या होगी, वो तो आपके बाप दादा निकल गए। बात समझ में आ रहा है? जब जिसकी तैयारी अच्छी है उसकी 44-45 आ रही है ओबीसी कैटेगरी से, और पिछली बार डीबी की 49 कट ऑफ गई थी, समझ लो तो ये किस लेवल का तैयारी बढ़िया है 44 नंबर ला के। समझ लो ना, मॉक टेस्ट में अगर 44 नंबर आ रहा है, तैयारी बहुत बढ़िया कह रहे हो, तो फिर कट ऑफ तो ऑब्वियसली बढ़ेगा भैया, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो जब तक आप कट ऑफ पिछली बार का क्लियर करके आगे नहीं भाग रहे हो तब तक तैयारी बढ़िया नहीं। और सबसे पहला रीज़न तो मैंने बता दिया, अफवाह फैलाना। दूसरा रीज़न मैं ये बता दूँ ना कि मतलब ये चीज़ है कि बहुत लोगों का फेल क्यों हो जाते हो, और उनको लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छा होता है। तैयारी अच्छा इसलिए होता है ना, उनको इसलिए लगता है क्योंकि जस्ट मैंने जो PDF दे दिया, या फिर किसी ने कोई PDF दे दिया, किसी का आपने वीडियो कोर्सेज बाई कर लिया, ठीक है, या फिर आपने किसी एक पार्टिकुलर एक बुक को बाई कर लिया और उसके सारे आंसर्स रटना शुरू कर दिए। भैया आंसर रटना शुरू कर दिए, जैसे बहुत सारे पब्लिकेशन है आंसर रट रहे हो आप, तो फिर उससे सिलेक्शन होगा क्या? देखो कहीं से भी आप पढ़ लो ना, आप मैथ पढ़ रहे हो, और देखो जैसे मैंने मैथ का जो खुद का मैंने PDF ये लॉन्च किया ना, इसको बाई करने से पहले पता है लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, कि सर आप एक चीज़ बताओ इसमें से कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, मतलब मैंने बोला आने वाला क्या, सब आने वाला है, सारा सेम पैटर्न पे होगा, पूरा सिलेबस हमने फॉलो किया, कह नहीं नहीं सेम पैटर्न के बारे में नहीं बताओ, सेम टू सेम कितना आने वाला है। मैंने बोला भाई तेरे को लेना है ले, वरना निकल, सेम टू सेम एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। रीज़न साइंस का सेम टू सेम आ सकता है, कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस आ सकता है, इंग्लिश के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बिकॉज वो क्या फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स के कंसेप्ट, लेकिन वो क्या जितने आ सकते हैं, इवन कॉमन एरर देखने के लिए मिल सकते हैं, समटाइम पैसेजेस भी देख मिल जाते हैं, बट मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए बहुत रेयर पॉसिबल होता है जनाब, ऐसा ऐसा नहीं होता। हाँ, आप अगर जैसे राकेश यादव सर से पढ़ते हो बहुत सारे SSC के, तो राकेश यादव सर की जो बुक है उन्होंने भी आज तक कोई दावा नहीं किया ना कि इस बुक से 100% या फिर 1% भी आने वाला है वो, या फिर कोई भी, ये कहा जाता है कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है आप इसको कर लेते हो, कंसेप्ट समझ जाते हो, तो ये आपका सिलेक्शन फिक्स है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका भी कंसेप्ट सेम होने वाला है जो इन PDF के अंदर है, ठीक है, या फिर राकेश यादव के बुक के अंदर है, राकेश यादव सर के बुक के अंदर है। तो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो ना, तो ये चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मेरी तैयारी अच्छी हुई है बिकॉज मैंने आंसर रट लिया है, अब आपके दिमाग में ये बैठ गया कि तैयारी अच्छा है लेकिन फेल हो गया, तो वैसे लोग हर साल फेल होंगे। आप 10 साल आपको एक्स्ट्रा एज रिलेक्सेशन भी दे दिया जाए ना तो भी आप फेल हो गए, रीजन बिकॉज आप आंसर रटने वाले हो, कंसेप्ट समझने वाले नहीं हो। कल भी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने देखा एक बच्चा का मैसेज आया कि किसी का पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आता, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। भैया आप जिस लेवल पे सोच रहे हो ना आप कि मैथ के क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी मार देते हैं, तो कोस्ट गार्ड की जो एग्जाम सेट करने वाले हैं ना वो इतने पागल नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों को वो देखते हैं। आजकल यूट्यूब पे लग रहा है कि खाली आप ही देख रहे हो, नहीं ना, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इवन SSC का एग्जाम जब हो रहा था ना, तो SSC की तरफ से यूट्यूब पे रिव्यू बंद करा दिया गया था, ठीक है ना, तो वो लोग भी सारा चीज़ ट्रैक करते हैं कि किसके बारे में क्या चीज़ें बातें हो रही है, ठीक है ना। तो मैथ रीजनिंग और इंग्लिश जितने भी लोग PDF मेरे बाई कर लियो, नहीं किया तो इस व्हाट्सअप नंबर पर बाई कर लेना 7279047787 पे मैसेज करके व्हाट्सअप कर लेना आप, और बाई करके इसको लगाओ। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, चाहे रीजनिंग हो भैया, चाहे मैथ हो, चाहे देखो इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, इन सबसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। रीजनिंग का सेम टू सेम नहीं आएगा, पूरा कंसेप्ट पे आएगा 100% आएगा। मैथ का सेम टू सेम लाने की मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट 100% सेम पैटर्न पे आने की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर कहीं से भी कोई इंसान ये कहता ना कि मेरी PDF ले लो हम एक क्वेश्चन लड़ा देंगे, तो भैया तुमको खुलेआम मूर्ख बना रहा है, दिन दहाड़े मूर्ख बना रहा है, वो किसी का माई का लाल नहीं जो सेम टू सेम लड़ा देगा, क्योंकि कोस्ट गार्ड वाले हैं भाई, वो हमसे बड़े बड़े माथा लेके बैठे हुए, उनको पता है कि हमको क्वेश्चंस का डेटा चेंज करना है। मैंने अगर मैथमेटिक्स में आपको ये दिया 2+4/6 वगैरह वगैरह चीज़, तो वो डेटा चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं, तो ये सभी चीज़ों समझो। तैयारी अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि कहीं से आप कंटेंट खरीद कर रट जा रहे हो उसका खाली आंसर, मैथ का रीजनिंग का कंसेप्ट पे फोकस करो। हाँ, साइंस रटना लाजमी है, साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्वियसली साइंस रट रहे हो बहुत बढ़िया बात है, इंग्लिश के वोकैब्स रट रहे हो बहुत बढ़िया बात है, गारंटेड होता है कि इन सभी चीज़ों से कुछ ना कुछ आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी मैथ और रीजनिंग रट रहे हो तो बड़ा मूर्ख इंसान हो, ठीक है, ये सभी चीज़ का बचो। और जो लोग कंसेप्ट पे फोकस करते हैं ना, कंसेप्ट फोकस करते हैं और डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं, सुनो डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट क्यों जनाब, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी लगाओ, ऑफलाइन भी लगाओ और ऑनलाइन भी लगाओ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन इसलिए ना कि टाइम मेंटेन करना आपको सीख जाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन लगाते तो हमको एक ही बार में मतलब ढेर सारा क्वेश्चन दिखता है, और ना स्क्रॉल करना है ना कुछ, पन्ना फटाक से पलटना है, एक एक क्वेश्चन को बना देना, और ऑनलाइन में स्क्रॉल करना होता है, एक बार माउस पकड़ना है फिर छोड़ना, फिर माउस पकड़ना छोड़ना, पेन से लिखना, वो सभी चीज़ें टाइम किल कर रही होती हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता। तो अगर चेहरा आपको इस तरीके से हंसता हुआ चाहिए
बढ़िया से फोकस करो स्टडी पे, और अभी भी कोई डाउट है तो पूछो। बट जाने से पहले फिर से कह दूं कि जितने लोगों ने हमारी पीडीएफ को नहीं लिया, आंख बंद करके भरोसा करके लो, आपको निराशा होने की मतलब मौका हम लोग नहीं देंगे, ठीक है ना? निराश होने का मौका नहीं मिलेगा आपको। सारी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से लोगे तो एक एक पीडीएफ पे 7-8 रुपया जो है एक्स्ट्रा टैक्स लग जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ व्हाट्सअप से खरीद लो, मैसेज करके 7279047787 पे हमारे स्टाफ होंगे, आप मैसेज करना वो आपको बता देंगे।